श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए और अद्वैत आचार्य के यहाँ कीर्तन नर्तन किया भक्तों के साथ और अपनी माता से मिले। सची माता ने कहा कि हे निमाय, आप संन्यास ग्रहण करने के बाद यहाँ जा रहे हो जगन्नाथपुरी, बल्कि महाप्रभु वृंदावन जाने की सोच रहे थे, तो सची माता ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप मायापुर एक ही घर के दो कमरे हैं। बंगाल से नवद्वीप से लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथपुरी से लोग नवद्वीप आते हैं गंगा का स्नान करने के लिए, तो आपके बारे में मुझे श्रवण करने के लिए मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने चार भक्तों के समेत वहाँ से निकले कीर्तन नर्तन करते हुए और यहाँ पहुँचते हैं जगन्नाथपुरी। जब चैतन्य महाप्रभु 18 नाला के पास आते हैं तो एक ब्रिज, जगन्नाथपुरी आप आते हो तो एक छोटा सा ब्रिज आता है पुल, उसके ऊपर महाप्रभु खड़े हो गए और वहाँ से तीन चार किलोमीटर है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ से महाप्रभु को नील चक्र दिखाई देता है और नील चक्र के ऊपर गोपाल जी, लड्डू गोपाल जैसे कृष्ण नजर आते हैं और वो ऐसे पुकारते हैं, आओ आओ। तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए निकलते हैं यहाँ कृष्ण का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए कृष्ण के विरह में, जगन्नाथ के विरह में मंदिर में पहुँचते हैं, जब गर्भगृह में जगन्नाथ का दर्शन करके वहाँ मूर्छित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और वहाँ गिर पड़ते हैं मूर्छित अवस्था से, तो सारे पंडागण उनको एक प्रकार से मारने के लिए या उठाने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य राजा के मानो गुरु ही थे, इतने विद्वान थे प्रकांड। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पास आते और देखते हैं कि इनकी जो मूर्छित अवस्था है ये साधारण नहीं है, ये भगवान के प्रति प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सेवकों के समेत उठाकर, महाप्रभु मूर्छित थे, यहाँ लाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कई दिन या कुछ महीनों के लिए यहाँ ही रहते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में उनका निवास होता है। और सार्वभौम भट्टाचार्य एक दिन कहते हैं कि अरे, आपने संन्यास ग्रहण किया है, संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको 7 दिन के लिए वेदों का जो ज्ञान है वो प्रदान करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल विनम्र होकर, शांत चित्त होकर सुनते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि क्या आपको समझ में आ गया? महाप्रभु ने कहा कि सब कुछ समझ में आया, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी जो व्याख्या है वो गलत है। फिर महाप्रभु ने सही व्याख्या प्रस्तुत की और आत्माराम जो श्लोक है भागवत का, उसके ऊपर महाप्रभु ने उनको कई प्रकार से उस श्लोक को समझाया। और चैतन्य महाप्रभु ने अंत में इसी स्थान पे सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना षडभुज रूप दिखाया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो षडभुज रूप इसी स्थान में दिखाया। ये देखिए षडभुज रूप आपके सामने चित्र है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो महाप्रभु तो सन्यासी रूप में थे, एक हाथ में कमंडलू है और एक हाथ में सन्यास दंड है, लेकिन वही कृष्ण है, मुरली वादन कर रहे हैं, और वही श्री राम है जिनके हाथ में धनुष है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले प्रकट होते हैं नवद्वीप मायापुर में और अपनी संकीर्तन लीला की प्रस्तुति करते हैं और अपने आचरण से कृष्ण की भक्ति कैसी करनी है, वही कृष्ण भक्त बनकर आते हैं। और वही अपना नवद्वीप छोड़कर जब यहाँ जगन्नाथपुरी आते हैं तो भगवान के प्रति विरह और प्रेम की भावना व्यक्त करते हैं, सर्वोच्च जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी थे, तर्क मीमांसा न्याय आदि में जो लगे हुए पड़े थे, शंकराचार्य का शारीरिक भाषा आदि का अध्ययन करने में, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बनाया? भक्त बना दिया। चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है, महाप्रभु ने जितने ऐसे बड़े बड़े लोग थे ना उनको भक्त बनाया, जिनके देखकर हजारों लोग भक्त बने।
प्रभुपद कहा करते थे शिकार करनी है तो गेंडे की करो, हाँ नहीं तो तभी भी नहीं हुई तो भी नाम आपका ही होगा और हुई तो आपका जय घोष होगा। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने राजा महाराजा ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को भक्त बनाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सब प्रकार के लोगों के ऊपर कृपा की। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहे थे, कई सारी घटनाएं हैं लीलाएं हैं। लेकिन एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं हाँ काकेरा गरुड़ करी कि मैं तो ये कौवा था, हे चैतन्य महाप्रभु में क्या था ये कौवा कौवे के समान था लेकिन आपने मुझे गरुड़ बना दिया है। तो ऐसा जो सार्वभौम भट्टाचार्य सर्वोच्च विद्वान थे उनके अंदर इतनी महान ये भावना आई, महान भक्त बने। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि भक्ति के जो साधन है उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, भक्ति के जो जो कार्यकलाप है उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है जो करने से कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला उनको, नाम संकीर्तन। भगवान के नामों का जो संकीर्तन है वह सर्वश्रेष्ठ है। हाँ उसका कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति को भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो प्राप्त हो जाती है। और सार्वभौम भट्टाचार्य शुरुआत में भक्त नहीं थे तो उनका जगन्नाथ प्रसाद के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं थी, जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। लेकिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह जाते थे और दर्शन करके आते थे तो जगन्नाथ का प्रसाद लेकर आ गए। आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य शयन कर रहे थे यहाँ और महाप्रभु बाहर थे। उन्होंने कहा सार्वभौम सार्वभौम उठो उठो आपके लिए मैं जगन्नाथ प्रसाद लेके आया हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के प्रभाव से इतने महान भक्त बने कि जैसे उठे वो कृष्ण कृष्ण कहने लगे। क्या बोले, कृष्ण कृष्ण। और इसे उठे तो महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं कि अभी सार्वभौम भक्त बन गया है। और जैसे महाप्रसाद जगन्नाथ का उनके सामने रखा, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने बेड से उठे ही थे, ना मुंह धोया था ना कुछ, और जैसे महाप्रभु ने प्रसाद ऐसे दिखाया तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद लिया और ग्रहण किया और दो प्रसाद के प्रति स्तुति वचन बोले, प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम आदि, कि कृष्ण का प्रसाद जगन्नाथ का प्रसाद जैसे प्राप्त हो जाए तुरंत उसको स्वीकार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा सार्वभौम आप अभी क्या बने हो, भक्त बन गए हो, महान भक्त बन गए हो, क्योंकि जगन्नाथ प्रसाद के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा जागृत हो गई है। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य विशेष आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ निवास के उनके आराध्य विग्रह यहाँ हैं। और जैसे मैंने नीचे गंगा माता गोस्वामिनी के बारे में बताया था, राधा रसिक राय के बारे में बताया था, तो जो सामने दर्शन है वो वही राधा रसिक राय उनके दर्शन है। और यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के जो आराध्य विग्रह शिला आदि इन सब के दर्शन है। तो ये स्थान है, चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ षडभुज रूप अपना दिखाया था। और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ एक छोटी सी सुरंग है जहाँ डायरेक्ट जगन्नाथ मंदिर में निकलती है। लोग सार्वभौम भट्टाचार्य कभी कभी उसमें से जाते थे, ऐसे भी बोला जाता है। तो ऐसा ये पवित्रम स्थल है, यहाँ हमें प्रार्थना करनी चाहिए सार्वभौम भट्टाचार्य के चरणों में और उनके आराध्य विग्रह गंगा माता गोस्वामिनी आदि के चरणों में भी, ताकि हमें भक्ति करने में वो बल प्रदान करे, जिसके द्वारा हमारा भी श्रद्धा भगवान के नाम के प्रति और भगवान के प्रसाद के प्रति बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, षडभुज गौरांग की, निताय गौर प्रेमानंदे।